आम सहित जोड़ी होती श्रीयुक्त माधव सरदार जिला बीजेडी सभापति। माधव बाबू आपन को स्वागत करुच्छी कनक न्यूज को। तेलकोई विधायक दल छाड़ कारण कौन कौन असुविधा हे मो आज गणमाध्यम न्यूज चैनल माध्यम रे खबर पाइली तांगर इस्तफा संबंध रे मो पाखरे सेबडी खबर नाही। न्यूज चैनल रु जहा जानुतली से माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लेके तांगर इस्तफा प्रदान करचंद बोली, किंतु निर्दिष्ट भाव रे मो पाखरे सेंति किसी सूचना नाही। माधव बाबू से अभियोग करिसंती जे दल रे दीर्घ दिन हला काम करूसंती किंतु तांगो अणदेखा करा जायछि आउ अक्टूबर 12 तारीख रु से चिट्ठी देखिलेनी तांगो चिट्ठी संपर्क रे केछि आलोचना भी होउनी। तो अणदेखार परिवार प्रश्न उठू ना कहीं से जेहेतु विधायक निर्वाचन मंडल नेता एवं जिते बड़े संगठन कार्यक्रम हुए आम जोजोग किंतु से कही व्यक्तिगत स्वास्थ्यगत कारण जो बाहर को चिकित्सा पाई जाए तेणुक दल से मो नजर से अणदेखा कराई जो जहाँ कार्यक्रम हुए आम जनईचु एवं से स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई कतोटी कार्यक्रम अनुपस्थित थे तेज आज जो इस्तफा कथा कहते निर्दिष्ट भाव मो पाखे से खबर ना इस्तफा संबंध में। माधव बाबू जिते आम देखु जे बीजेडी गोटे बहुत बड़ा शक्तिशाली दल गत 23 वर्ष धरी शासन क्षमत अच्छी नवीन पट्टनायक लोकप्रियता शंख दल बीजेडी ए सब प्रति लोकंर अहेतुक आकर्षण रही तारि भितर आगामी निर्वाचन में किए दल तरफ टिकेट पाइबे नहीं लबी हो गोटे गोटे निर्वाचन मंडली एकाधिक आशायी अच्छा तारि भितर जे सिटिंग एमएलए दल छाड़ यार गोटे प्रभाव पड़े कि दल उपर नकारात्मक प्रभाव रही कि देखो आज पर्यटन दीर्घ 24 वर्ष धरी माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक आम दल सुप्रीम स्वच्छ शासन दृढ़ नेतृत्व को नहीं आज तर लोकप्रियता दिनक दिन बढ़ी चली तेरे आज जो इश्यू होता व्यक्तिगत कारण हो पारे कौन राजनीति अभिसंधि थे किंतु आमर नेता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक स्वच्छ शासन निर्माण भावमूर्ति और विकास ओडिशा जो जो विकास है विकास ही चली से विकास ही आम दल मूलमंत्र तेणुक आम नेतृत्व नेता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक विकास एवं स्वच्छ शासन निर्मल भावमूर्ति तो ओडिशा राज्य में कोणार्क भाव जो भाव समस्त क्षेत्र माधव बाबू आप गोटे कथा कहले प्रेमानंद नायक राजनीतिक अभिसंधि किसी थे निर्दिष्ट भाव में यह शब्द को मुझे पुणि थे पचारे चाहिए कौन थे राजनीतिक अभिसंधि अन्य कौन सी राजनीतिक दल सहित से जोजोग कि आप नजर से मतामत आप जो राजनीतिक अभिसंधि क्या कहले से प्रश्नर उत्तर आप चाहिए कौन थे मुझे जानपर नहीं जिते बड़े मानव मुख्यमंत्री सब कौन 4.5 कोटी ओडिया पर समस्त बीजेडी द्वार खोला जी जिते बड़े आस स्वागत करपड़ी परिस्थिति में कौन कारण कौती निष्पत्ति तेणुक मो मताम अच्छा एमती एक चर्चा हूँ आलोचना हूँ टे बुले बंके प्रेमानंद नायक एक तांको विपक्ष दल को विपक्ष गोष्ठी को अधिक प्राथमिकता दि जाऊँच मूल बीजेडी लोकों नुहे जो मैंने बीजेडी को परवर्ती पर्यायर आसी जी तरह दिने विरोधी थे गुरुत्व दि जाऊँगी आउ अणदेखा कर प्रकृत में एमती किसी हूँ तेलकोई से किसी अनुभव करें कहीं आम दल एक श्रृंखलित दल और जी जो कर्मी आम जड़े जड़े साधारण कर्मी हिसाब से जी जो दलपाई स्वच्छाकृत भाव में डेडिकेसन देकर कम कर चलता है जी ताको दल गुरुत्व दे था तेणुक अणदेखा कर प्रश्न उठू ना आभर मत जो थी व्यक्तिगत मत हो पारे दल माधव बाबू प्रेमानंद नायक राजनैतिक चालचलन केमी दुई दुई थर विधायक ये आउ लोकसंपर्क को नहीं विजय लाभ करते हठात से वितस्पृह होती बीजेडी प्रति दल छाड़ प्राथमिक सदस्य पदर इस्तफा दूसरी राजनैतिक कार्यक्रम गुड़िक लोकप्रियता लोकों सहित जोड़ी हाँ यू कार्यक्रम गुड़िक जिला बीजेडी सभापति भाव में आम देखी दल बहुत गुरुत्व से मंत्री मानव मुख्यमंत्री मंत्री दायित्व तेणुक दल गुरुत्व से दल को गुरुत्व व्यक्तिगत मत तेणुक अणदेखा जो कथा कहते अणदेखा करा जाए ना
ଏବଂ ଦଳରେ ଯିଏ ଯେତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକରି କାମ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯିଏ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇପାରିବ ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ସେ ଅଭିମାନରେ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବା ହବ ଆଗକୁ? ନାଇଁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମର ଦଳର ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଦଳର ସଭାପତି, ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭାବରେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖୁଥିବେ, ତ ଏଇଠି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କର ବିକଳ୍ପ କିଏ ହେବେ? ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିକଳ୍ପ ଦଳରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟ କିଏ ଟିକେଟ ପାଇବ, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭାବରେ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ତ କାହାର ନା କାହା ନା ପୁଣି ସଜେସନ କରିବେ ଦେବେ? ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର, ତେଣୁକରି ଆମେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦଳର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ତେଲୁଗୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହଁ, 6ଟି ସାରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଏଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ମୁଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ କାମ କର, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମାଧବ ବାବୁ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଦଳ ଟିକେ ଶକ୍ତି ହରାଇବ, ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ କି? ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିକାଶ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମର ନେତୃତ୍ୱ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହିଁ ଆମର ଦଳର। ମାଧବ ବାବୁ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ଦଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ କି ଆପଣ? ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ମାଧବ ବାବୁ।